यीशु प्रभु में रौरे मन के ढेर सारा आशीष मिले। आओ आज कर पाठ के हमरे मंथन एक मध्यम चिंतन कर ले विलाम। आज 20 अगस्त दिन शनिवार पहला पाठ में नबी जी के लिए अजकियर कर ग्रंथ अध्याय 43 और वाक्य संख्या 1 से 7 में नबी एजिकियल एजिकियल कर दिव्य दर्शन और प्रभु यीशु कर लागिन भविष्यवाणी है के नबी एजिकियल आवेक वाला प्रभु यीशु कर महिमा और प्रताप कर बखान करो थे। जिकर में प्रभु कर स्थापित कलीसिया के नबी एजिकियल अपन दूर दृष्टि से बखान करो थे और प्रभु यीशु कर कलीसिया के ईश्वर कर सिंहासन और पावदान कर संज्ञा देवत हैं। अपन दिव्य दृष्टि में एक ऐसन कलीसिया कर बखान करत हैं जो सदा सर्वदा बनी रही और कभी कलंकित नहीं होगी और जे हमेशा महिमान्वित होते रही। आमीन। आज कर दूसरा पाठ मत्ती का सुसमाचार अध्याय 23 वचन संख्या 1 से 12 में हमें मन सुनीला। प्रभु यीशु मनवा मन के और अपन चेला मन के निर्देश देवत हैं और कहत हैं कि शास्त्री और फरीसी मन जे मन कलीसिया के चलत हैं और मूसा कर समय से जे चलो थे उ सब के करे और माने कर हुकुम देवत हैं, मगर प्रभु यीशु ये बात के कहत हैं कि जे शास्त्री और फारिसी मन करें उकर अनुसरण तोहरे ना करा। क्योंकि शास्त्री और फारिसी पंडित ज्ञानी मान बड़ बड़ आदमी मान आज्ञा तो देना बहुत सारा आज्ञा देना, लेकिन खुद हैं वो मन के वो बात के पूरा नहीं करे ना। खुद ही अपने मन अपन ध्यान आकर्षण लगिन दिखावा करे ना। सोप वो मन के प्रणाम प्रणाम करवाए या गुरुवर कहलाए, लेकिन वो मन बहुत पसंद करे ना। प्रभु यीशु ऐसन ढोंगी फरीसी मन के शास्त्री मन के मुंह लगे नहीं कहत हैं। प्रभु कहत हैं कि तोहरे मन ऐसन गुरुवर या ऐसन आचार्य अपने आप के ना कहा, क्योंकि गुरु और प्रभु सिर्फ एक ही है के और वो हमार एक प्रभु यीशु है के। पृथ्वी में केको होल पिता कर संज्ञा ना देवा, क्योंकि हमार सिर्फ एक ही पिता है के और वो हमार प्रभु यीशु है के। प्रभु आज कर संदेश में यह कहना कि जे अपने को बड़ा मा जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। आमीन। हवा आज हमें प्रार्थना करें। अब्बा पिता, हमारा मानवीय स्वभाव भी आज उन्हीं फरीसी और शास्त्रियों की तरह है। प्रभु तू हमारी धृष्टता माफ कर। हम लोग अपने आप को संसार में सर्वश्रेष्ठ मानते हुए लोगों को नीचा दिखाने का काम करते हैं। प्रभु हमारी ऐसी पापों की सजा तूने तय कर दी है। जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। प्रभु हमारा आचरण भी कुछ इसी तरह का ही है। प्रभु इन सब पापों का बोध हमें तू करा और सच्चा पश्चाताप करने की शक्ति प्रदान कर, उन्हीं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।